वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंडे जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के क्या रहने वाले हैं, इन सारी बातों का एनालिसिस हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन मार्केट में जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, मार्केट में एक जो इंपॉर्टेंट अब इस समय रेजिस्टेंस बन चुका है ये 19,500 का है। निफ्टी अगर 19,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ही हमें आगे अपसाइड के मूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर निफ्टी 19,500 के लेवल के नीचे रहता है तो हमें निफ्टी में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। आने वाले समय में निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या होने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एंजलवन एप्लीकेशन को लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे एंजलवन एप्लीकेशन में निफ्टी का एनालिसिस करके बताऊंगा कि निफ्टी में आने वाले समय में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, किन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे मार्केट में आगे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एंजलवन एप्लीकेशन को लॉगिन कर चुके हैं, लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे निफ्टी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे निफ्टी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज है उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है। नीचे में चार्ट का एक ऑप्शन चेंज का एक बटन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैं चार्ट के क्लिक करता हूँ, चार्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने निफ्टी का जो टेक्निकल चार्ट है लग जाता है। इस टेक्निकल चार्ट में हमने यहाँ पे तीन इंडिकेटर का यूज़ किया है, एक तो है बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, एक है एलएमएन इंडिकेटर और एक है एमएसडी इंडिकेटर। अब यहाँ पे जैसे कि हम बात करते हैं तो जो निफ्टी में जो गिरावट आई है, जो इसका बोलिंजर बैंड का एक अपर बैंड था जो था 19,520 का, और 19,500 का एक लेवल जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो यह लेवल निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया और यहाँ से अब नीचे हमें गिरावट यहाँ पे देखने को मिली फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब बात आती है कि यहाँ से निफ्टी कितना करेक्ट हो सकता है, कितना नीचे जा सकता है, यहाँ से अपसाइड के मूवमेंट हमें क्या देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो निफ्टी समय क्लोज है ये 19,324 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर मान लो निफ्टी कल जो लो पॉइंट है इसके नीचे सस्टेन करता है, इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के अंदर जो गिरावट का माहौल हमें बनता हुआ नजर आता है, ये 19,200 तक का एक लेवल है, यहाँ तक कि निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर मान लो गिरावट यहाँ पर भी नहीं थमती है तो फिर यहाँ से निफ्टी में जो गिरावट आएंगी ये 19,100 से लेकर 19,000 का लेवल हमें निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल डाउन साइड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो निफ्टी ने एक बाउंस के साथ रैली बनाई थी और यहाँ से कंटिन्यू जो अपसाइड में मूव दिया था, अब यहाँ पे अगर निफ्टी ऊपर के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो मतलब कि यहाँ से निफ्टी में हमें कमजोरी का साइन देखने को मिल सकता है और यहाँ से निफ्टी नीचे आ सकता है। अगर मान लेते हैं कि निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में मान लो कि 19,300 का सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, वापस ऊपर की हो जाता है, इस कंडीशन में 19,390 का एक इंपॉर्टेंट हमें रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह रजिस्टेंस जो लेवल है यहाँ एक एलएमएन इंडिकेटर का है, यहाँ तक कि निफ्टी ऊपर आ सकता है और अगर ये लेवल को भी पार कर लेता है तो फिर निफ्टी इंडेक्स में हमें 19,500 तक के रजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यह रजिस्टेंस मिल पाना काफ़ी अभी थोड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि निफ्टी इस समय जो करेक्ट हो रहा है, जो नीचे आ रहा है, जो इसके अंदर गिरावट का साइन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट बना है, जो अगर हम दो दिन पहले की कैंडल की बात करते हैं, अगर ये सपोर्ट जो 19,300 के आसपास का है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी में यहाँ से वो ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट जो अगला सपोर्ट हो सकता है ये 19,000 का हो सकता है और इसके नीचे अगर स्लिप होता है तो 18,800 का सपोर्ट हो सकता है। ये लेवल आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे हम एमएचडी इंडिकेटर की बात करते हैं तो एमएचडी इंडिकेटर ने भी एक यहाँ से पॉजिटिव मूव दिया था यहाँ से, लेकिन अब एक करेक्शन का मूव हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन जिनका एनालिसिस करते हैं, चाहते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ऑर्डर किस प्रकार से लगा सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। इस निफ्टी की ऑप्शन चेन में आपको 13 जुलाई एक्सपायरी का डेटा देखने को मिलेगा। अब जैसे कि आपको यहाँ पे जैसे कि निफ्टी में पोजीशन बनाना है तो निफ्टी में अगर लगता है कि तेज़ी आ सकती है तो तेज़ी के लिए अगर हम देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है ये आपको देखने को मिलेगा 19,400 का, जो कि एंडा मनी आउट ऑफ मनी स्ट्राइक प्राइस है। उसके साथ ही अगर देखें तो 19,300 का स्ट्राइक प्राइस काफ़ी अच्छा लगता है, जो इंदामनी स्ट्राइक प्राइस होता है, और यहाँ पे 19,200 और 19,250 के स्ट्राइक प्राइस काफ़ी अच्छे लगते हैं बाइंग साइड के लिए। ये तभी करना है जब हमें लगता है कि मार्केट में तेज़ी आ सकती है, मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर लगता है कि मार्केट में नीचे गिरावट हो सकती है और मार्केट जो है 19,200 के लेवल तक के आ सकता है, इस कंडीशन में अगर पुट के साथ जाना चाहते हैं तो पुट के लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 19,400 और अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं जैसे तो 19,300 का स्ट्राइक प्राइस भी अच्छा है। इन स्ट्राइक प्राइस के साथ जाके हम पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि सपोज़ मैं अपने व्यू से बताऊं कि मार्केट में अगर करेक्शन आ सकता है, निफ्टी जो है 19,200 के लेवल तक ही जा सकता है, इस कंडीशन में मैं यहाँ पे 19,400 का स्ट्राइक प्राइस को बाय करना चाहूँगा।
जो इस समय 122 का है, तो उसके LTP के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बाय ऑप्शन पे प्रेस करूँगा। जैसे बाय ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने ऑर्डर विंडो आती है, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट 1 लॉट मेंशन करूँगा। यहाँ पे हम अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लॉट संख्या मेंशन कर सकते हैं। निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटीज आती है, हम 50 के मल्टीपल में यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक लिखा, मतलब कि 50 क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर लगाया है। अब नीचे मैं बाय बटन पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म ऑर्डर पर प्रेस करता हूँ। अभी मार्केट बंद है तो हमारा ऑर्डर जो आफ्टर मार्केट लगेगा। अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा और यह प्राइस मार्केट में आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे यस ऑप्शन पर प्रेस करता हूँ और मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाता है। अब हमारा ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। अब जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो हमें पोजीशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना इजी, इतना आसान हो जाता है एंजल एप्लीकेशन का यूज़ करना और यहाँ पे काम करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, पहली बार आपने हमारे चैनल को विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, एमसीएक्स मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल1 में ओपन नहीं किया है, तो मैंने बेस्ट ऑफर के साथ फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है। आप आज ही अपना डीमैट अकाउंट एंजल1 के साथ ओपन करें और यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करें। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।